नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम चैनल। दोस्तों, हमने जो जनजातीय शासन व्यवस्था की सीरीज चालू की है, उसी सीरीज के अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वह टॉपिक है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो मुंडा जानते हैं आप, जैसे कि मुंडा झारखंड की जो जनजातीय जनसंख्या है उसमें तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। और इनकी जो जनसंख्या में प्रतिशत है 14.56% जनसंख्या जो है यहाँ पर मुंडा लोगों की है। और इनकी प्रमुख देवता का नाम भी सिंह बोंगा है, ठीक है। प्रमुख देवता इनका सिंह बोंगा है। और इनकी जो जनजातीय शासन व्यवस्था को मान्यता जो मिली थी वो सर जो ब्रिटिश अधिकारी थे विल्किंसन, थॉमस विल्किंसन द्वारा इस मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मान्यता भी दी गई थी। दोस्तों, आप देखेंगे ध्यान से जब, तो यह जो व्यवस्था है बहुत ही सटीक और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, और इससे प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था संपूर्ण भारत की, अगर संपूर्ण भारत की कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, यह संपूर्ण भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आप लोगों ने लिच्छवियों की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पढ़ी होगी जो कि इतिहास में है, और यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, हमारे जो आदिवासियों की शासन व्यवस्था है, ऐसा माना जाता है, आज के वर्तमान शोध बहुत तरह के हो रहे हैं और सभी क्षेत्रों में शोध हो रहे हैं, तो जनजातीय क्षेत्रों में जो शोध हुए हैं उनके अनुसार यह कहा गया है कि यह जो परंपरा है जो कि हो जनजाति से संबंधित है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, और जो मुंडा, जो यहाँ का जो मुंडा लोग है उनकी जो व्यवस्था थी, इस यह व्यवस्था जो है पूरी तरह से गणतांत्रिक व्यवस्था थी। दोस्तों, मुंडा जो लोग हैं, मुंडा लोगों का प्रमुख देवता जैसे हमने बोला कि सिंह बोंगा है, और मुंडा जो तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है, जनजाति है, जो कि झारखंड में निवास करती है। परंतु हम यहाँ बात करेंगे हो जनजाति के बारे में, क्योंकि हो जनजाति से ही संबंधित है यह मुंडा। मुंडा जनजाति के बारे में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मुंडा जनजाति को जानना बहुत जरूरी है। इसमें एक टर्म है मुंडा, तो यहाँ पर मुंडा और मुंडा जनजाति पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यह मुंडा एक टर्म है, यह पूरी तरह से जनजाति नहीं है। जनजातियाँ, जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर में हम सभी जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे जनजाति, आदिम जनजाति, उनकी क्या जनसंख्या है, उनके क्या देवता हैं, क्या उनके कल्चर है, सभी के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो शासन व्यवस्थाएं जब पढ़ा लूंगा, इसके पश्चात जो स्टार्ट होगी वो आपकी यही टॉपिक स्टार्ट होगी। तो यहाँ जो हम लोगों ने हो जनजाति का पारंपरिक शासन व्यवस्था था, और यह पूरी तरह से गणतांत्रिक शासन व्यवस्था पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसी को मुंडा कहा जाता था। हमने इसलिए आपको लिख दिया कि मुंडा का सिंह बोंगा होता है, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे और जानकारी भी हो जाएगी मुंडा जनजाति के बारे में भी। तो आगे देखिए, हम इस शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, और इस शासन व्यवस्था से जो टर्म निकल के आते हैं, सबसे पहला टर्म है कि थॉमस विल्किंसन द्वारा यह जो आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था है इसको मान्यता दी गई थी, आपको कानूनी मान्यता इसको दी गई थी थॉमस विल्किंसन द्वारा। तो इससे जो रिलेटेड टर्म है उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले जान जाते थे हो जनजाति है क्या। हो जनजाति जो है मुंडा जनजाति की ही उपशाखा है, यह मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा है जो अपने आप को हो जनजाति के रूप में स्थापित कर ली, ठीक है। तो इसे उपशाखा कहा जा सकता है मुंडा जनजाति का। तो इसमें जो पद है उस बारे में मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप सभी देखें, इसमें जो दो टर्म है, पहला टर्म है मुंडा और दूसरा टर्म है मानकी। पहले हम इन दोनों टर्म के बारे में बात करेंगे। मुंडा कौन था, मुंडा कौन होता था, गांव का प्रधान होता था, प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान का जो अधिकार था वह मुंडा के अंतर्गत ही आता था। और मुंडा का जो सहयोगी होता था, मुंडा के जो सहयोगी थे उसे डाकुआ कहा जाता था, डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता था। इसलिए मुंडा का सभी निर्णय को या जो भी आदेश मुंडा देते थे उसे गांव के लोगों तक पहुंचाना, और गांव के लोगों का कोई मामला हो तो उसे मुंडा तक पहुंचाने का कार्य डाकुआ करता था।
चलते दूसरा टर्म में, मानकी के बारे में बात करते हैं। मानकी क्या था? मानकी मानकी मुंडा मानकी का हम लोग करते हैं, तो मानकी का टर्म का अर्थ क्या है? मानकी क्या था? मानकी एक ऐसा व्यवस्था था जिसमें 7 से 15 गांव मिलकर एक पढ़ा का निर्माण करता है। जो 7 से 15 गांव मिलकर एक जो संस्था बनाती है उसे पढ़ा कहा जाता था, और जो पढ़ा का प्रमुख होता था उसी को हम मानकी कहते थे। और इसकी सभा में, इसकी जो सभा होती थी उसमें मुंडा और डाकुआ, इसलिए मैंने डाकुआ शब्द को पहले चर्चा कर दी ताकि आपको यहाँ समझने में दिक्कत नहीं हो, मुंडा और डाकुआ दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। मुंडा और डाकुआ, जैसे कि मुंडा का सहयोगी होता था, उन दोनों का यहाँ पर अनिवार्य रूप से उपस्थिति होती थी मानकी के जो सभा होते थे उसमें। और किसी भी मामले का जो निर्णय होता था वह निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता था। दोस्तों, गणतांत्रिक व्यवस्था, पहली गणतांत्रिक व्यवस्था होने का मतलब भी यही होता है कि जो निर्णय होगा वह सर्वसम्मति से होगा और सभी के राय मशवरे से ही कोई भी निर्णय को लिया जाएगा। इसके पश्चात जो टर्म आता है वो पीर पंच का है, क्योंकि यह वीडियो छोटा बनेगा, बहुत ज़्यादा टर्म इसमें है नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पीर पंच जो होता है वो पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान को हम पीर पंच कहते हैं। और तहसीलदार कौन होता है? तहसीलदार, जैसे कि हमने यहाँ बताया आपको कि मुंडा को लगान वसूली का अधिकार है, परंतु वह लगान डायरेक्ट नहीं वसूलेगा, यहाँ तहसीलदार के माध्यम से वह राजस्व का अधिकारी के रूप में तहसीलदार का नियुक्ति करता है, और यही तहसीलदार लगान की वसूली करके मुंडा को देता है, मुंडा को देता है। जैसे हमने वहाँ पाहन के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ेंगे देवरी के बारे में, क्योंकि देवरी जो होता है वह गांव का धार्मिक प्रधान होता था, और गांव के सभी धार्मिक मामले जैसे कि पूजा पाठ, विवाह, त्यौहार, धार्मिक आयोजन, जो सांस्कृतिक आयोजन जो भी होता था उसमें देवरी का प्रमुख रोल रहता था। साथ ही साथ ये क्या करते थे कि जो भी धार्मिक विवाद होते थे, धार्मिक विवादों को सुलझाने का भी काम इन्हीं का होता था। इसी का सहयोग करने के लिए एक और होते थे जो, जिनका नाम होता था यात्रा देवरी। यात्रा देवरी क्या होता था? यह देवरी का सहयोगी होता था। देवरी का सहयोगी को यात्रा देवरी कहा जाता था। तो हमने देख लिया इस मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा टर्म नहीं है, और बहुत ही आसानी से ये आपके पकड़ में आ जाना है। इसलिए इस वीडियो को आप, छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक प्रश्न तो आएंगे इससे, एक प्रश्न आते ही है और एक प्रश्न आएंगे इससे, निश्चिंत होकर इस कुछ टर्म को ही आपको रट लेना है और इस वीडियो को देख लेना है। और आप जो है यहाँ पर इस जो टॉपिक है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में किसी प्रकार से मिस्टेक ना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म आपको समझना है, देवरी, उससे अलग है पीर पंच, तहसीलदार, डाकुआ। और डाकुआ बहुत बार पूछा जाता है, डाकुआ जो है ना बहुत ही बार पूछा गया है अभी तक JSSC के एग्जाम में, JPSC के एग्जाम में, या झारखंड का पंचायत सचिव के एग्जाम में भी डाकुआ शब्द के बारे में पूछा गया था। तो ये टर्म याद रखेंगे। तो एक बार मैं रिव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो पहली जनजातीय शासन व्यवस्था है जिसे अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी दी गई, यह ध्यान रखेंगे। हो मुंडा जनजाति की ही उपशाखा है, यह ध्यान रखेंगे। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है, यह भी ध्यान रखेंगे। यह प्रथम भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है, और कई गांवों के जो प्रधान होते थे उसे मानकी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है 7 से लेकर 15 गांवों को मिलकर एक पढ़ा का निर्माण होता था, और पढ़ा का जो प्रमुख होता था उसे मानकी कहा जाता था। मानकी जो सभा करते थे उसमें मुंडा और डाकुआ दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी, और सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता था। यहाँ टर्म डाकुआ आया जो मुंडा का सहयोगी होता था, निर्णय और आदेशों को गांव तक पहुंचाता था, और गांव ग्रामीणों के जो भी समस्या थे उसे मुंडा तक पहुंचाता था। पीर पंच परहा का न्यायिक प्रधान होता था, जैसा कि वहां परहा के बारे में हमने बताया कि 7 से 15 गांव मिलकर परहा का निर्माण होता था, तो उसी में न्यायिक प्रधान जो होता था वो पीर पंच कहलाता था। तहसीलदार राजस्व अधिकारी होता था जो लगान वसूली करके मुंडा को देता था। देवरी गांव का धार्मिक प्रधान होता था जो पूजा पाठ, विवाह, त्यौहार और धार्मिक विवादों को सुलझाने का काम करता था। यात्रा देवरी देवरी का सहयोगी होता था। बस इतना ही टर्म है दोस्तों, इस टर्म को ध्यान रखेंगे और पूरी तरह से रट्टा मार के याद कर लें, क्योंकि इससे एक प्रश्न आएंगे, 2 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे।
धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्दी मैं आपका दूसरा टॉपिक पर भी जाऊंगा, इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद दोस्तों।